मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम और निषाद राजगुहा की अभिन्न मित्रता हमारी विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार राम राज्य के संकल्प को साकार कर रही है। सबके साथ न्याय और सबकी समुचित भागीदारी चहो ओर दिख रही है। आज कोई भी किसी गरीब का शोषण और उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता है। सीएम योगी शुक्रवार को निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछली सरकारों में निषाद के नौजवानों को गोली मिलती थी, पर इस सरकार में आपका संकल्प पूरा हो रहा है। आपको अधिकार, सम्मान व सुविधाएं मिल रही हैं। आज पीएम मोदी ने काशी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को रवाना किया है। इससे पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और गंगा पुत्र निषादों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कि श्रृंगवेरपुर में श्री राम और निषाद राज की गले लगी प्रतिमा को बनाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इसी क्रम में 2023 में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होगा। यह राष्ट्र मंदिर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निषाद समाज के लिए आरक्षण के मुद्दे पर सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। निषाद पार्टी ने 10 साल पहले जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण करने की कार्यवाही अंतिम चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया जब आगे बढ़ रही है, समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ आंतरिक मोर्चे पर बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी भारत की धाक जम रही है। उनके नेतृत्व में देश को दुनिया के 20 सबसे सशक्त देशों के समूह G20 की अगुवाई का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निषादों की समृद्धि के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने मत्स्य संपदा योजना की सौगात दी है। मनरेगा के कन्वर्जन के माध्यम से तालाबों का निर्माण हो रहा है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना भी आने जा रही है। वाराणसी में 1600 नावों को CNG से जोड़कर उन्हें किट उपलब्ध कराई जा रही है। निषादों को बोट योजना पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए बजट की व्यवस्था कराई गई है। संकल्प दिवस समारोह में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी का स्वागत करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस को चुनाव हारने के बाद निषादों की याद आ रही है। निषाद समाज के लोगों को अपने हक हुकूक के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चिंता करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं और उनके समक्ष यह मामला आते ही उन्होंने तत्काल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पत्र भी लिखा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि काशी में रिवर क्रूज को लेकर विपक्षी दलों ने निषाद समाज का हक मारे जाने का दुष्प्रचार शुरू किया है। सच्चाई यह है कि इससे सर्वाधिक रोजगार का लाभ निषाद समाज के लोगों को ही मिलेगा। इस मौके पर संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद समेत निषाद पार्टी के विधायक गण, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने परिवार को छोड़ के महाराजा गोरा निषाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और निषाद पार्टी के आन बान शान पोलिटिकल गार्ड पक्षनाथ की 52 धरती पर आज आप लोगों की उपस्थिति देखकर तो तहे दिल से बधाई देता है कि आप लोगों का जोश, आप लोगों का विश्वास करेंगे। संजय 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 Sunday, 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 Sunday.
संत दिग्विजयनाथ पार्क में उपस्थित है हम सबके बीच में, मानव साहब पधार चुके हैं। एक बार पुनः हम सभी लोग दोनों हाथ उठा करके एक संकल्प हम लोग नारा देंगे, दोनों हाथ मतलब खड़े होकर के एक नारा हम लोग देंगे, मुख्यमंत्री जी। वो मंदिर से चल रही है, अभी 5 मिनट में पहुंचाएंगे। मैं 5 मिनट पहले बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, उसके बाद 5 मिनट बोलूंगा। मैं इतना चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर बोले भाई जय निषाद राज। अच्छा ये निषादों का खून है क्या? ऐसे लगता है कि इसमें कुछ रावण राज वाले बैठे हैं। दो हाथ उठाकर बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी, महाराजा निषाद की, महाराजा गुरा निषाद की, भारत माता की जय श्री राम। साथियों, आज का ये संकल्प दिवस आज से 9 वर्ष पहले हमें ये पता चला कि इलाहाबाद से 40 किलोमीटर लखनऊ रोड पर गंगा के किनारे एक निषाद राज का किला। जब त्रेता में भगवान राम जब वन गमन गए थे तो मेरे बड़े भाई को याद किए, निषाद राज से जब गले मिले थे तो निषाद राज ने कहा हे राम मित्र थे हो, भविष्य में भी मित्र रहोगे, लेकिन आज आपके अंदर मैं भगवान की शक्ति देख रहा हूँ, दुनिया में भगवान राम के रूप में पूजे जाओगे। ये पहली बार निषाद राज ने बोला था। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ स्कूल के उस निषाद राज के खून के जिन्होंने पहली बार भगवान की शक्ति पहचाना था। 70 साल देश आजाद हो गया, 750 वर्ष मुगल, 350 वर्ष अंग्रेज। पहले कभी आपके इसी डंडे में निषाद राज का झंडा था, कभी इसी डंडे में जय श्री राम का झंडा था, नाविकों पर आपका बेड़ा था, जहाज भी बेड़ा था उस पर आपका झंडा था, लेकिन मुगलों ने तलवार के बल पर आपके झंडे को उतरवा दिया और डंडे में अपने डंडे में मुगलों ने अपना झंडा डालने की कोशिश किया। मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि जो डर गए वो मर गए, उन्होंने धर्म बदल दिया, लेकिन आपके पुरखों ने तलवार सहा तोप सहा, लेकिन किसी पैमान का झंडा अपने डंडे में नहीं टांगा। ये आपके मन ऊपर फक्र है। आज के दिन में हम लोग आज उस चीज को याद करते हैं। तोप लेकर आए अंग्रेज भी अपने डंडे में झंडा टांगने की कोशिश किया, लेकिन तोप से उड़ गए हमारे हजारों लोग। सती चौरा घाट की कहानी समाधान निषाद सारा आपको, गंगा देवी निषाद का, उधम सिंह का सब आपको जलियांवाला बाग कांड याद होगा। सारा कुछ आपको पता है कि कैसे आपके पुरखों को पर तलवार और तोप चली थी, लेकिन आपके पुरखों ने किसी का झंडा नहीं उठाया। धोखे से कांग्रेस ने कहा कि मैंने देश को आजाद किया है, मेरा साथ दो, अपना हाथ लो, हाथ मिलाओ, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, लेकिन पैमानों ने आपका वोट तो लिया, आपके आरक्षण की फाइल गायब करा दिया। आपका बेटा डॉक्टर संजय निषाद, मुकुल वासनी और शैलजा ने जिसे आपकी फाइल गायब करा दी, उसके खिलाफ दिल्ली के उस नई दिल्ली में थाने में उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवा दिया। एक समय उन्हें जेल भी भेजवाऊंगा जो निषादों का हिस्सा खाने का काम किया है। आपको धोखा खा गए, हाथी वाले भी अपना झंडा लेके आए, आपके डंडे को खाली पाया। 70 साल में कांग्रेस का झंडा पड़ गया, हाथी ने नीला टांग दिया, साइकिल ने टांग दिया, दोनों तीनों ने टांग दिया। 70 साल से आपने दूसरे का झंडा ठोया, क्या पाया? कुछ मिला? अरे यार कुछ मिला बताओ, कुछ मिला?
पूरा हाथ मिलाओ ऐसे हम मानेंगे कुछ मिला, पूरा हाथ मिला जिसका मिला उन्हें हिलाएगा, कुछ मिला भैया कुछ मिला, इनके साथ जाना है बोलो भाई, इन्हें वोट देना है, इनका झंडा उठाना है बोलो उठाना है छूना है। तो मैं देख लो कैसे उनका हिस्सा मिला, उन्होंने अपने गांव में ऐसा गेट पाटना, दलित बस्ती में जय भीम का झंडा देखने के बाद सारे नेता कहते हैं टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है ये पार्टी वाले हैं, बहनजी वाले हैं। किसी यादव भाई के मोहल्ले में जाओ, वह साइकिल का झंडा देखने के बाद कहते हैं ये मुलायम वाले पौआ वाले नहीं है, पैसा लेकर बिकने वाले नहीं है। लेकिन आपके मोहल्ले में सभी पार्टी के झंडे आते हैं, सबके एजेंट बैठे हुए हैं, निषादों के मोहल्लों में गरीबों के तेली बढ़ई लोहार कहां पाल के इन मोहल्लों में रात भर के मोहल्लों में सारे पैमानों ने अपना अपना एक एजेंट लगा रखा है। उन दलालों को हलाल करो, आपका माला माल कर दूंगा डॉक्टर संजय निषाद पार्टी माला माला के लिए आज सुझाव देना। आप चाहिए कि पूरा आधा की पूरा, मैंने इतने वहां था कि आपके पास पौआ चार इन लोगों ने पौआ जी को कराइए और हम लोगों का सम्मान जो भारत में बढ़ रहा है वो दुनिया में। तीर और धनुष ने रावण राज खत्म किया कि नहीं किया? अरे बोलो किया कि नहीं किया? रावण राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम ने जब गले लगाए निषाद राज उस त्रेता के उस संस्कृति को उपेक्षित जो जंगल था उसको आपके इस निषाद पार्टी के झंडे जय निषाद राज के नारे से संदेश दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को 370 खत्म हो गया, तलवार भाजने वाले आज घरों में कैद हो गए हैं, पूरे देश के लोग अमन चमन से रह रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, आपके सहयोग आपकी सरकार के साथ आने से उसका श्रेय हम लोगों को भी मिलता, हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि कितनी कत्लें हुई थी इस देश में, मंदिर बनाने गए कितने उत्साह बिखेरते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में। एक आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन बनाते हुए आप सभी के बीच में सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मंच पर और इस गोरखपुर का दिल कहे जाने वाला दिग्विजयनाथ पार्क में उपस्थित है। और माननीय मंत्री जी, सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद जी और युवा विधायक चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। स्मारक का मोमेंटम भेंट करेंगे युवा क्रांतिकारी विधायक भाई इंजीनियर सरवन निषाद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई प्रतिमा
मेयर प्रवीण कुमार निषाद जी, तालियों की गड़गड़ाहट होते रहनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। और अब मैं आप सभी के बीच में होगा परचम लहरा देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के तालियों का बड़ा करेंगे साथियों। योगी योगी भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय निषाद राज, जय निषाद राज। आज के संकल्प दिवस में इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, प्रदेश सरकार प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सरवण निषाद जी, विवेकानंद पांडे जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, श्री राजबाब उपाध्याय जी, श्री अनिल त्रिपाठी जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री विपुल दुबे जी, श्री विनोद बिंद जी, ऋषि त्रिपाठी जी, महंत रविंद्र दास जी, निषाद पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मालती निषाद जी, डॉक्टर अमित निषाद जी और प्रदेश भर से आए हुए निषाद राज के सभी अनुयायी उपस्थित भाइयों बहनों, महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपके 10वें संकल्प दिवस के इस आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर निषाद राज के अनुयायी राम राज्य के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों आपका वह संकल्प भी बहुत शीघ्र साकार रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद मल्ला माझी केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है और उस उत्साह के लिए आप सब आगे एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।
भाइयों बहनों, आज ही सुने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे विमान क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा, बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माजी नाविक और मल्लाह बंधुगण है उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है और उन्हीं की प्रेरणा से श्री कुबेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कभी उस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, निषाद राज का नाम पूरी तरह हटा दिया गया था, लेकिन 2017 में प्रदेश में जब सरकार बनी तो सरकार ने वहां पर निषाद राज के उस पार्क के निर्माण के साथ डबल इंजन की सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया तो भाइयों बहनों, आज वहां पर न केवल हजारों वर्षों की निषाद राज की परंपरा और विरासत, बल्कि भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का वह स्थल एक बार फिर से साकार हो रहा है। जब भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य वहां पर अंतिम चरणों में चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, मत्स्य संपदा योजना न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर, बल्कि डॉक्टर संजय निषाद तो प्रदेश सरकार के हिस्से हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसमें अपना योगदान देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले इस बात को सुनिश्चित किया है, गांव के तालाब हो या अन्य जो भी ऐसे कार्य होने हैं उनमें मत्स्य पालकों के पट्टाधारकों के लिए भी प्राथमिकता निषाद, विंद, केवट, मल्ला, माझी या इनसे जुड़ी हुई जातियों को प्राथमिकता के आधार पर इसे प्राप्त होना चाहिए और राज्य सरकार इसे पहले ही पालन कर चुकी है। लेकिन साथ साथ मनरेगा के कन्वर्जन के माध्यम से भी उन तालाबों के निर्माण में योगदान देने की कार्रवाई को भी जहां आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, वहां पर हम लोगों ने अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है और इस विभाग के मंत्री स्वयं डॉक्टर संजय निषाद जी हैं तो स्वाभाविक रूप से वह इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक नया प्रस्ताव और आ रहा है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना भी है। आपने देखा होगा अब डीजल और पेट्रोल और केरोसिन से नहीं, सीएनजी की नौकाएं आ रही है। वाराणसी में अकेले वाराणसी में 1600 ऐसी नावों को सीएनजी के साथ जोड़ करके फ्री में एक सारा किट उन्हें उपलब्ध करवाया गया है।
और आज वहां पर लोग बेहतरीन रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश भर में हम इन योजनाओं को जहां आगे बढ़ाएंगे, वही मछुआरा समुदाय को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन्हें मत्स्य योजना के अंतर्गत, निषाद बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के बजट में भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज आप सब जान रहे हैं ये नया भारत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हर उस नागरिक को जिसके पास आवास नहीं, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई हो, जिसके पास शौचालय नहीं उसके घर में एक शौचालय बनाने की कार्रवाई हो, जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं उसने बिजली का कनेक्शन देने की कार्रवाई हो, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। भाइयों बहनों, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार आई है। आज कोई शोषण नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं कर सकता, किसी गरीब की संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता, वन बेटियों की इज्जत पे कोई जबरन हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार का संकल्प है कि हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वैश्विक मंच पर भारत की नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक ओर आंतरिक मोर्चे पर विरासत का सम्मान की बात श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री की भव्य प्रतिमा स्थापित हो रही है, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हरेक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। और भाइयों बहनों, आज न केवल आंतरिक मोर्चे पर बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी अगर आप देखेंगे भारत कैसे भारत की धाक जमी है, दुनिया के वे 20 बड़े देश जो G20 के रूप में जाने जाते हैं उनकी अध्यक्षता का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में चल रहा है। ये दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया में 60% आबादी जहां निवास करती है, 75% व्यापार पे जिनका अधिकार है, 85% GDP पर जिसका अधिकार है, और 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मानवता के कल्याण के एक नए मार्ग पर ये सभी 20 देश निकल पड़े हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निषाद राज पार्टी ने 10 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए, उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करूंगा कि जब सफलता सिद्धि की ओर बढ़े तो धैर्य के साथ नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस संकल्प दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।